नमस्कार साथियों, मैं विजय रत्न प्रभाकर आज इस सदन में एक सिटी एजेंडा की एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और दिल्ली का वो मुद्दा जहां पर दिल्ली के तकरीबन 70% लोग इससे परेशान हैं, तो उस मुद्दे की बात रखना चाहूंगा। और उस मुद्दे में कहीं ना कहीं मैं दिल्ली का एक छोटा सा क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली की बात इस विषय में रखना चाहूँगा और इसमें बताना चाहूँगा कि वो दिल्ली जो भारत का दिल है, पर्यटन केंद्र का प्रमुख है, वो दिल्ली जो एक महानगर है, पर कहीं ना कहीं उस दिल्ली में जब हम पानी की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के तमाम तकरीबन 70% लोगों के पास उस जल की आवेदना नहीं है। अगर मैं कहूं दिल्ली जल बोर्ड, जो कि एक दिल्ली सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो दिल्ली के को जल प्रावधान देता है दिल्ली के जनता को, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 21% लोगों के पास वो दिल्ली जल बोर्ड का लार्जेस्ट कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, चाहे वो तिगड़ी विधानसभा की बात हो, चाहे वो अंबेडकर नगर विधानसभा की बात हो। तो जब हम इन विधानसभाओं में जल की बात करते हैं, तो यहां तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों के पास दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन है, अन्यथा सभी 98% और 98% लोगों के पास प्राइवेट या तो कोई जल की कनेक्शन ही नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जब हम जल की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक देन है जिसमें सबका अधिकार होता है। मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द कंट्री, एक छोटा सा इंस्टेंट कोट करूंगा मैं, मोस्ट ऑफ द कंट्री लैक ऑफ द एक्सप्लिसिट रेफरेंस टू द राइट ऑफ वाटर इन द नेशनल लेजिस्लेशन नेसेसरेट्स क्रिएटिविटी इन फोर्सिंग द राइट थ्रू द कोर्ट। इन इंडिया द राइट टू वाटर इज नॉट एन इनरिस्ट फंडामेंटल राइट इन द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। The court at the both state federal level have interpreted the article 21 of the constitution, the right to life, as encompassing the right to safe sufficient water and sanitation. Agar hum purane Bharat ke itihas ki baat kare, in 1990 Kerala High Court in Ankota Tangal, the Union of India recognized the fundamental importance of water as a right to water. And same if I would talk about Maharashtra government in 1996, the same cheese was quoted by the Maharashtra High Court. And if I quote about the Karnataka, same in 2002, again the same issue, the right of water. The issue of raising the right of water to the fundamental right, again it was 2001, it was quoted by in Karnataka High Court. So if I talk about the water, now the if I have already taken the scenario of the 5 Vidhan Sabha, Delhi ke un 5 Vidhan Sabha ki jab main baat kar raha hoon, to kahin na kahin jinke paas sirf 2% logon ke paas wo pani ka Delhi Jal Board ka connection hai, lekin un logon ke paas jinke paas pani ka connection nahi, wo kahan se apne pani ki vyavastha lekar aate hain?